हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमने जो माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशन थी उनका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, साथ में आपके अकाउंट से मतलब जो मसले थे उनका हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के इंट्रोडक्शन से मतलब। इंट्रोडक्शन मीन्स कि हम इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा उन टॉपिक्स पर होगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स स्टूडेंट चैप्टर यूटी टेक्सला। ये एक आउटलुक अकाउंट का इंटरफेस है। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये इनबॉक्स होता है, सेंड आइटम्स होती हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, डिलीट ईमेल्स होती हैं, मतलब कि जो आपका जीमेल अकाउंट है उससे मिलता जुलता ही होता है। इसमें ज़्यादातर वही ऑप्शन उससे मिलते जुलते ही होते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है क्या चीज़? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और सिंपली आउटलुक इज़ अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। Through primarily an email client, Outlook has included such functions as cluttering, task managing, contact managing, note taking, journal logging, and web browsing. It can be used by individuals as a standalone application or by organization as a multi-user software through Microsoft Exchange Server or SharePoint. ये वो पॉइंट्स हैं जो आपका जीमेल अकाउंट से सुपीरियर बना देते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट को। अगर आगे आए चल के हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको एक आउटलुक अकाउंट पे जाके इसके फीचर्स बताता हूँ और डिफरेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। ये एक आउटलुक अकाउंट ओपन हो चुका है। इसमें ये फेवरेट्स हैं, इनको मैं बंद कर देता हूँ। ये फोल्डर से मेरे इनबॉक्स में कितनी ई मेल्स आई हुई हैं, मैंने ड्राफ्ट कितने प्रिपेयर किए, मैंने सेंड नहीं किए, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी ईमेल मैंने सेंड की हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, जो मैं डिलीट कर चुका हूँ वो यहाँ पे आ जाएंगी, जंक ईमेल्स, आर्चीव और नोट्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा कन्वर्सेशन हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। अब इन टैब्स पे बात कर लेते हैं। इनमें पहला टैब है चैट का, इसमें वो कंटेंट्स आते हैं जिससे मैंने आज तक चैट्स की ईमेल मतलब जो मेरे कंटेंट्स में ऐड हो चुके हैं, और दूसरा है माई डे। माई डे में मेरा जो स्केड्यूल है ना पूरे वीक का वो स्केड्यूल आ जाता है। इसके अलावा मैंने इसमें सेटिंग्स आ रही हैं तो मैं आउटलुक अपने सेटिंग्स करना चाहता हूँ। ये हेल्प का ऑप्शन है, ये व्हाट्स न्यू, ये मेरे न्यू अपडेट्स आती हैं वो यहाँ से मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे ऊपर, और ये नोटिफिकेशन का टैब है। अब मैंने अपने प्रोफाइल पिक चेंज करनी है, अपने प्रोफाइल में कोई चेंजिंग करनी है, अपने अकाउंट में कोई चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने आपसे बात की थी ऑफिशियल ईमेल आती हैं, तो इनमें से एक ऑफिशियल ईमेल ये आई हुई है मुझे, जो पीसी का ऑनलाइन सर्वे होना था इंटरनेट कनेक्टिविटी से मुतालिक। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो अपडेट्स आती हैं वो भी आपको थ्रू योर ईमेल आउटलुक में आ जाती हैं। मिनिमाइज हो गया तो इसको मैक्सिमाइज किस तरह करना है, आपने यहाँ से क्लिक करना है तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं ईमेल कैसे जनरेट करनी है। आपने न्यू मैसेज में जाना है, इसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि चूँकि आपका जो अकाउंट है ना उसमें यूटी टेक्सला एज ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग भी इंक्लूड हैं वो सेशन 2K6 है, वो सेशन 2K17 है, वो सेशन 2K25 होगा, जो भी पिछले जितने भी लोग इंक्लूड हैं वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो मैं इससे किसी को भी मेल कर सकता हूँ। लेट से मैं अब ये देख सकते हैं मैंने हफीज लिखा है, तो जितने भी यूट्यूब टैक्स ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हफीज नाम के लोग हैं वो सब के सब आ गए हैं। इससे फायदा होता है कि अगर आप किसी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, अगर फ़ोन नंबर नहीं है या उसका ईमेल एड्रेस नहीं है, और प्रेफरेबली अगर आप अपने फैकल्टी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है कि आप अपनी फैकल्टी को थ्रू ईमेल कोई चीज़ पहुँचाएँ बजाय कि आप उनको टेक्स्ट मैसेज करें, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ है। अब लेट्स से मैं
ये एक अकाउंट आ गया। अब सी सी इसमें क्या होता है, सी सी मतलब ये होता है कि जो टू को तो डायरेक्ट मेल जा रही है, और सी सी का मतलब ये है कि आप इस कॉन्टैक्ट को भी एट अ टाइम मेल पहुंचाना चाहते हैं, इसको एज अ रेफरेंस बना के। अब मैं इंजीनियर अली नकवी को एज अ रेफरेंस बना लेता हूँ कि इस। अब एक ईमेल का एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मींस कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। लेट से मैं ऐड करता हूँ ये मेरा एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसके डिफरेंट फॉन्ट ऑप्शन है उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, इसको यूज़ करना चाहते हैं दोबारा क्लिक करें। अब मैं कोई ईमेल टाइप कोई भी टाइप कर रहा हूँ, ईमेल कोई रैंडम वर्डिंग लिखता हूँ, यहाँ से इसका आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी लेटर को बोल्ड कर सकते हैं, लेट से आप उनको इटैलिक्स में लिख सकते हैं, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं वर्ड्स को, आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेट से मैं इतना पोर्शन हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसको हाईलाइट पर क्लिक करूँगा, कलर सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा पोर्शन हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो मैं इसको दोबारा हाईलाइट का पोर्शन क्लिक करूँगा, तो ये पोर्शन बंद हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज हो गया। इसके अलावा मैं बुलेट्स ऐड करना चाहता हूँ, इसमें नंबरिंग ऐड करना चाहता हूँ, ये वो डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पाए जाते हैं। कुछ चीज़ कोट करना चाहता हूँ, अलाइन करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ के साथ हाइपरलिंक डालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं हाइपरलिंक ऐड कर सकता हूँ। इमोजीज ऐड करनी हो, इमेजेस ऐड करनी हो, लेट से मैं कोई भी इमेज ऐड कर लेता हूँ, जाता हूँ ब्राउज फ्रॉम दिस कंप्यूटर और मैं जाता हूँ अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसने मुझे एरर दे दिया है क्योंकि इसमें भी 33 MB की लिमिट लगाई गई है कि इससे छोटी जो फाइल है वो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, और 33 MB से बड़ी फाइल होगी तो उसके लिए आपको कुछ मुख्तलिफ मेथड से भेजनी पड़ेगी। उसका ये है कि आपको पहले वो फाइल आउटलुक अकाउंट जो आपकी ड्राइव है ना, आउटलुक ड्राइव, उसमें चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी, फिर तो वहाँ से आप इसको शेयर करेंगे। मैंने पहले से अपलोड किया है, मैं डायरेक्ट शेयर करता हूँ वहाँ से। ये मेरा वन ड्राइव अकाउंट ओपन हो गया, मैं इसमें फाइल्स में जाता हूँ, ये वही फाइल आ गई जो ये देखें 42 MB की। देखें ये फाइल का ऐड हो गया, अब मैं इसको भेज रहा हूँ वो उसको डाउनलोड भी कर सकता है रेसिपेंट, और वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, मैं उसको एसएस मैनेज कर सकता हूँ इसकी कि रेसिपेंट कैन एडिट, रेसिपेंट कैन व्यू, इसको मैं एसएस दे देता हूँ कि
जो जिसको रिसीव हो रही है वो सिर्फ फाइल को व्यू कर सके, इसमें वो चीज़ एडिट ना कर सके, तो ये इसकी एस चेंज हो गई है। यहाँ सेंड का बटन दबाऊंगा तो ये फाइल सेंड हो जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यह है कैलेंडर, मुझे माइक्रोसॉफ्ट के जो अकाउंट्स हैं आपस में इंटरलिंक होते हैं, इसलिए कैलेंडर में जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो मीटिंग्स जनरेट हुई थी ना, वो सब इस कैलेंडर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई हैं। ये है पीपल्स, पीपल्स में डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिलीट कॉन्टेंट्स, इसके अलावा कोई ग्रुप्स हैं आप जनरेट किए हुए आपने, तो इसमें ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप ओनर, डिलीट अ ग्रुप, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन ऐड हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो आप लोगों को से कॉन्टैक्ट डिलीट किए हुए हैं, इसमें ग्रुप्स आ जाते हैं, ग्रुप्स में मेंबर्स कौन कौन हैं, ग्रुप के ओनर और डिलीटेड ग्रुप्स, फिर डायरेक्टरीज आ जाती हैं, ये आपसे ना रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद आ जाती है टू डू लिस्ट, इसमें आप अपने टास्क ऐड कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, अपने इम्पोर्टेंट प्लान्स किए हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं बस।